और राज्यसभा में खड़गे और सभापति में नोकझोंक हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया था देवगौड़ा का मुद्दा। देवगौड़ा के बयान पर खड़गे ने आपत्ति जताई थी। खड़गे ने कहा कि देवगौड़ा ने कांग्रेस सरकार की निंदा की। सभापति ने कहा कि देवगौड़ा अभी मौजूद नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा, मैं आखिरकार कब बोलूं? इसको लेकर नोकझोंक जैसी स्थिति राज्यसभा में पैदा हो। एक ही मिनट लूंगा आपका, क्योंकि इट इज विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, इट इज विद रेस्पेक्ट टू व्हाट सर, रेस्पेक्ट टू व्हाट सर, नो रिगार्डिंग इन माय एब्सेंस हियर इन जीरो आवर आर स्पेशल मेंशन, यस सर, सो इन दैट, नहीं सर, ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा इज आल्सो नॉट हियर, वी विल हैव इट व्हेन ही इज आल्सो हियर। उनकी जरूरत नहीं है, जो उन्होंने कल यहाँ पर किया अपने, सर प्लीज प्लीज प्लीज, देयर इज अ मैकेनिज्म सर, मैं कब बोलूं फिर? नहीं, हमारे लेटर भी दिए हैं आपको तो एक्सपंज करने के लिए सर, अपने बेटे की तारीफ करते सर, हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सरकार को कंडम किया सर, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड सर, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ऑल थ्री पीपल हैव रिटर्न, वन सेकंड सर, वन एक सेकंड, प्लीज टेक योर सीट, रणदीप सुरजेवाला जी लिखे है, उसके बाद जयराम रमेश जी है, प्लीज टेक योर सीट फॉर अ मोमेंट sir, one second please, our deputy leader, I plead with you to take your seat once. I, honorable members, little after 9 p.m. yesterday received a communication addressed to me as most urgent communication emanating from three honorable members of the house, Sri Jairam Ramesh, Sri Randeep Surjewala and Mr. Chandrasekhar. Since it was labeled as most urgent, I thought it very urgent and responded to that eliciting some information. This is exactly on the same issue and I am awaiting that information. I had already indicated there will be my decision on the point of order and therefore I am pleading with the honorable senior member and leader of the opposition that bear with me and I am here to protect your rights, sir.